अस्सलामुअलैकुम, मैं गुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चिकन सलीक हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ये सऊदी का राइस रेसिपी है, इसे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले 200 ग्राम इजिप्शियन राइस को अच्छे से क्लीन करके हमें भिंगो कर आधे घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद एक पॉट में वाटर ले लेंगे, उसे अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। वाटर में जब बॉयल आ जाए उसके बाद उसमें हाफ चिकन विथ स्किन के साथ ऐड कर देना है। साथ में 2 पीस ओनियन ऐड कर लेंगे होल, 6 पीस ग्रीन कार्डामम होल ऐड कर लेते हैं, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसे बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे। जब जो बॉयल आएगा उसमें जो बबल्स आएंगे उस बबल्स को पहले निकाल लेना है हमें। उसके बाद इसे हमें कवर करके 20 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेना है। देखिए जब 20 मिनट हमारा हो गया है उसके बाद चिकन को हम निकाल लेते हैं अपने ट्रे के अंदर। ट्रे में निकाल लेने के बाद एक बॉल में सेफ्रन वाटर लेते हैं, उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और हाफ लेमन जूस। साथ में ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयली ऑयल। आप चाहे तो यहाँ स्पाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बिना स्पाइसेस के बना रहा हूँ। अब इसे हमें चिकन में ऐड कर लेना है। चिकन में ऐड कर लेने के बाद इसे हमें ग्रिल कर लेना है 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अब जो हमारा स्टॉक वाटर है उसे हम स्टैंड कर लेते हैं पहले अच्छे से। वाटर को फेंकना नहीं, हमें अच्छे से स्टैंड करके रख लेना है। उसके बाद एक पॉट लेते हैं, उसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम बटर, उसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं पहले। उसके बाद जो भिंगाया हुआ हमारा राइस था इजिप्शियन राइस, उसे ऐड कर लेना है। अब इसे राइस को हमें सौते कर लेना है 2 मिनट के लिए यहाँ पर ही। पहले देखिए 2 मिनट सौते कर लेने के बाद उसमें हमें 400 ml स्टॉक वाटर जो हमारा था उस स्टॉक वाटर को यहाँ 400 ml ऐड कर लेना है। अब इस राइस को हमें स्लो फायर में ही कुक करना है, हमारा कवर बंद करके। फिर ओपन करके देख लेते हैं, थोड़ा फिर इसे हिला देते हैं, उसके बाद फिर इसे कवर कर देते हैं। फिर कवर करके इसे कुक करेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर इसे ओपन करेंगे। देखिए हमारा वाटर जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 200, पहले मिल्क ऐड करेंगे, बाद में 200 ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसे अच्छे से हमें अभी यहाँ पर ही कुक करना है। अभी इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, स्लो फायर में अच्छे से हमें यहाँ पर ही कुक करना है राइस को। एकदम अच्छे से हमें यहाँ पर राइस को कुक कर लेना है सॉफ्ट करके। थोड़ा अच्छे से इसे मिलाएंगे, मिलाते हुए हम इसे पका लेंगे स्लो फायर में। उसके बाद जो बचा हुआ मिल्क था वो हम यहाँ पर ही ऐड कर लेते हैं 200 ml। उसके बाद फिर से इसे हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए जब हमारा अच्छा गाढ़ा हो जाए और राइस हमारा पूरा कुक हो जाए बढ़िया एकदम, उसके बाद हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें हमारा कुछ घटा है या नहीं। तो मैंने टेस्ट कर लिया है, इसमें हमें सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं सॉल्ट दे देता हूँ टेस्ट के अनुसार। उसे अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लेने के बाद फायर को हम क्लोज़ कर देते हैं। हमारा सलीक का राइस रेडी हो गया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं अपने प्लेट में। आप जिस भी प्लेट में चाहें उस प्लेट में से सर्व कर सकते हैं। राइस को सर्व कर लेने के बाद उसके ऊपर से हमें चिकन को ऐड कर लेना है, और जो उसके मसाले थे बटर वो उसके ऊपर से ऐड कर लेते हैं। अब हमारा रेडी हो गया है चिकन सलीक राइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।